हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोटर वेलो। मैं हूं आपका दोस्त रवि कुमार। आज मैं आया हूं बजाज कंपनी की शोरूम में। आप जो मेरे सामने स्कूटर देख रहे हैं, ये है बजाज कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक। अब चेतक नाम आपने पहले भी सुना होगा। बजाज कंपनी का एक स्कूटर आता था जिसका नाम था चेतक, तो बजाज ने उसी स्कूटर को इलेक्ट्रिक में लॉन्च किया है। साथ ही आप इसकी फ्रंट में देखोगे तो इसकी जो हेडलाइट है वो आपको कहीं ना कहीं पुराने वाले चेतक जैसी लगती है। साथ ही आपको इसकी फ्रंट जो डिज़ाइन है वो भी आपको कहीं ना कहीं पुराने चेतक से मिलती जुलती लगती है। इस स्कूटर की बॉडी की बात करें तो ये पूरी बॉडी आपको मेटल में मिलती है और इसका जो फ्रंट फेंडर है केवल यही आपको फाइबर में दिखेगा। और इस कलर की बात करें तो ये कलर है हेजल नट। तो आज हम बात करेंगे इस स्कूटर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, इसकी टॉप स्पीड के बारे में, इसकी रेंज के बारे में और इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ मिल जाता है हमें इस स्कूटर में। तो बात करते हैं इस स्कूटर की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट में आपको LED में इसकी हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है, साथ ही आपको LED में इसके DRL मिल जाते हैं और आपको हेडलाइट के बीच में चेतक का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको मिलती है नंबर प्लेट लगाने की जगह, क्योंकि ये स्कूटर है RTO रजिस्टर। साथ ही आपको यहाँ नीचे सिल्वर और क्रोम के एलिमेंट की डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाती है। और इसके इंडिकेटर की बात करें तो इसमें आपको LED इंडिकेटर मिलते हैं। नीचे आपको बॉडी कलर में ही इसका मडगार्ड देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं इस स्कूटर की साइड प्रोफाइल के बारे में। और साइड प्रोफाइल में पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट व्हील के बारे में। तो इसमें आपको 12 इंच के ग्रे कलर में अलॉय व्हील मिल जाते हैं। साथ ही इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 90x90x12 की टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, साथ ही आपको इसमें डिस्क पैड मिल जाता है और आपको इसमें CVC ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है और आपको इसमें शॉकर मिल जाती है। तो बात करते हैं इस स्कूटर की रियर व्हील के बारे में। तो इसमें आपको 12 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं ग्रे कलर में। साथ ही इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। और इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 90x90x12 की टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। और पीछे आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिलती है और CVC ब्रेकिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। पीछे ब्लैक कलर में इसकी शॉकर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मोटर के बारे में। तो इसमें आपको 4200 वाट की मोटर मिल जाती है। और इसकी मोटर की बात करें तो इसमें आपको PMSM मोटर देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसमें आपको लगभग 65 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो रियर प्रोफाइल में आपको सिल्वर और ब्लैक कलर में इसके ग्रे हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही आपको इसमें बैक सपोर्ट मिल जाती है। और इसमें आपको LED में इसकी टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है, LED में इसके इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही आपको पीछे भी क्रोम और सिल्वर कलर के एलिमेंट की डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाती है। पीछे आपको चेतक की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और नीचे बात करें तो नीचे आपको मिलते हैं रिफ्लेक्टर, साथ ही आपको यहाँ मिलती है नंबर प्लेट, क्योंकि ये स्कूटर है RTO रजिस्टर। और आपको यहाँ ब्लैक मैट कलर में इसका मडगार्ड देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं इस स्कूटर के बूट स्पेस की। तो इसके बूट को ओपन करने के लिए आपको ये वाली जो बटन है ये आपको लॉन्ग प्रेस करनी पड़ेगी और ये बूट ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको 18 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। साथ ही आपको यहाँ बूट में एक लाइट भी दी गई है, अगर आप अंधेरे में इसको खोलते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ एक लाइट मिलती है। साथ ही अपने आप स्कूटर को यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं, ये आपको स्कूटर की चार्जिंग सॉकेट मिलती है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसके अंदर ही आपको इसमें बैटरी मिलती है। इसमें आपको 2.9 किलोवाट हावर की फिक्स बैटरी मिल जाती है। और इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो इसमें आपको लगभग 3.5 घंटे का चार्जिंग टाइम मिलता है। और इसकी रेंज की बात करें तो इसमें आपको लगभग 100 से 108 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। अब मैं आपको इसका एक और बूट स्पेस दिखाता हूँ जो आपको यहाँ इस पोर्शन में मिलता है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको केवल इसे एक बार प्रेस करना है और ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको मिलती है USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ से अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ टूल किट मिलती है और साइड में ही आपको यहाँ फास्ट एड किट रखने की जगह मिल जाती है। और इस तरफ आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। और इसकी सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको 760 mm की सीट हाइट मिलती है। साथ ही आपको इसमें एक कंफर्टेबल सीट मिल जाती है। अब बात करते हैं इस स्कूटर के कुछ और फीचर्स के बारे में। तो कुछ इस तरह की आपको इसकी की मिल जाती है। इसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है, बस आपको ये की आपके पास होनी चाहिए। इस स्विच की बात करें तो इसे आप एक बार प्रेस करोगे तो ये स्कूटर ऑन हो जाएगा, इसे आप दो बार प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और इसका हैंडल लॉक करने के लिए आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। साथ ही अब बात करते हैं इसके हैंडल बार की। तो यहाँ आपको ड्राइव का स्विच मिल जाता है, रिवर्स का स्विच मिल जाता है, बूट का स्विच मिल जाता है, यहाँ आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है। साथ ही आपको नीचे इसके मीटर कंट्रोल का स्विच मिल जाता है। इस तरफ बात करें तो यहाँ आपको लोहाई बीम का स्विच मिल जाता है, ये आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, ये आपको लाइट का स्विच मिल जाता है, ये आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है और ये स्विच मिलता है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए। अब बात करते हैं इसके मीटर के बारे में। तो इसमें आपको डिजिटल मीटर मिलता है राउंड शेप में। तो इसमें आपको ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ बैटरी पावर मिल जाती है और आपको इसमें टाइम मिलता है और आपको इसमें मोड मिल जाते हैं। साथ ही आपको इसमें कई सारे और फीचर भी मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर एक हुक मिलता है अपना कोई भी कैरी बैग होल्ड करने के लिए। अब बात करते हैं इसकी वारंटी के बारे में। तो 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की इसकी वारंटी मिलती है। और अगर आपको इसकी वारंटी बढ़वानी है
तो आप 5,990 रुपये देकर इसकी वारंटी करा सकते हैं 5 साल या फिर 70,000 किलोमीटर। और इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है 1,33,000 रुपये। तो बस का इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।